ये इंसान कभी नहीं बदल सकता। फिर से ये अपनी दबी हुई आवाज के साथ हमारे कानों को दर्द देने के लिए एक नए सॉन्ग के साथ हमारे सामने आता है। देखो, हम आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं, उससे क्या होगा कि आप जो है, अगर आपको गाना नहीं आता तो कैसे आप अपने आप को गाने की इंडस्ट्री में फेमस कर सकते हैं। आपकी आवाज अच्छी नहीं तो कोई चिंता की बात नहीं, आपको ये नहीं पता कि लिरिक्स नाम की क्या चीज होती, तब भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो, गाने को अगर आप लोगों को हिट करवाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लड़की। देखो देखो, ऐसे नहीं कि आपने कोई भी लड़की उठाई और अपने वीडियो के अंदर डाल दी, ना 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 ना, अपनी वीडियो के अंदर टिकटॉकर्स को लेना बहुत अनिवार्य है। यार, टिकटॉकर्स ही हैं जो आपके गाने को आगे लेकर जाएंगे, और ऐसे लड़के जो लड़कियों के कपड़े पहनकर लिप सिंक कर सकते हैं, यार इन जैसे लोगों का तो यार समझ लो लकी चार्म होते हैं। ये आप लोगों के लिए, आप लोगों की वीडियो के आसमान में पहुंचा देते हैं। वैसे एक बात बताएं, लड़कियों के कपड़े पहनने वाले जो लड़के होते हैं ना, इनके फायदे बहुत होते हैं। छोड़ो उस चीज को, गाने पर फोकस करते हैं। गाना नहीं मतलब कि जो भी है, ये जो भी चीज बनी है उसके ऊपर फोकस करते हैं। देखो, आप लोगों को फिर क्या करना है, एक लाइन लिखनी, लाइन कुछ भी हो सकती है, मतलब कचरा कचरा उठा ले, कचरा उठा ले, ऐसा कुछ भी जो तुम्हारे दिमाग में घटिया से घटिया चीज आती है ना, वो लाइन लिख सकते हो, और उस लाइन को अपने सॉन्ग में लगभग 50 से 100 बार रिपीट करना, तो बस बनकर तैयार हो गया एक नया गाना। बट ना, एक बात की दिक्कत ये है कि ये गाना जो है वो बेवकूफों को ज्यादा पसंद आने वाला है। अगर समझदार लोग इसको देखेंगे तो वो यही कहेंगे, सर ये तो टट्टी है। हम टोनी भैया को कितनी बार समझाए हैं, बट हमारे भैया ये मानते नहीं है। यार, कोई समझाओ इस मंदबुद्धि बालक को, एक लाइन को 50 से 100 बार रिपीट करने को गाना नहीं कहते हैं। वैसे एक पर्सनली बात बोले, मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि ये भैया जो है वो गाने जो है वो पहले टिकटॉक के लिए लिखा करते थे, अब वो बंद हो गया तो ये इंसान रील्स वाले जोकर के लिए गाने लिखना शुरू हो गया, क्योंकि यार रील्स पर ही असली हगने वाले मिलते हैं। बट ऐसा नहीं है कि पूरा गाना खराब है, यार इसका साउंड बहुत अच्छा है, लेकिन साउंड भी क्या करे जब उसके ऊपर हगने वाले इंसान बैठे हों। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे घटिया चीज, इस गाने का ट्रेंडिंग में होना, यार वहीं से दिमाग खराब होना स्टार्ट हो गया था मेरा। और अगर मैं आप लोगों को इसके लिरिक्स के बारे में बताऊं तो यार इसका क्या मतलब होता है, मेरी अम्ब्रेला नाच मेरी लैला लैला, कुछ भी कुछ भी, हे भगवान रखा है, उठा ले रे बाबा उठा ले, मेरे को नहीं रे। अभी तो और भी है, लैला लैला तू है पहला, व्हाट द फक इज गोइंग ऑन हियर। यार, हगने की भी कोई सीमा होती है, और तुम हो कि उस चीज को लांगे ही चले जा रहे हो। सच बताओ यार, ऐसे लिरिक्स वाले आइडियाज आते कहाँ से हैं? यार सच कह रहा हूँ, जो खा रहे हो ना उसे खाना बंद कर दो, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और दूसरों के लिए भी हानिकारक साबित हो रहे हैं। अगर अभी तुम बोलोगे तुम इसके गाने सुनते क्यों अगर तुम्हें पसंद नहीं आते, देखो यार ऐसा नहीं है, बात ये थी कि मैं जब ट्रेंडिंग में जाता हूं तो ऐसे कचरे जब देखता हूं तो यार गुस्सा आता है कि भाई ऐसे ऐसे वाहियात चीजों को आगे लाया जाता है। टैलेंट भी कोई नाम की एक चीज होती है, इसका पता तो लोगों को है नहीं, वो ऐसे घटिया चीजों को आगे प्रमोट कर देते हैं। यार कभी कभी ये सब देख कर ना सच में बहुत ज्यादा दुख होता है कि ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाता है, लोग ऐसे लोगों को मतलब छोड़ो यार क्या बोले इन जैसों के बारे में। और एक बार फिर से मैं इस वीडियो में एक बात बोलना चाहूंगा जो मैं पहले वाली वीडियो में बोल चुका हूं, जिसमें टोनी कक्कड़ भाई साहब के सॉन्ग के जो रिव्यू किए थे उसमें कहा था, देखो यार वहम कभी भी नहीं पालना चाहिए, चाहे आप कुत्ता पाल लो बिल्ली पाल लो, बट वहम जो होता है ना, वो वहम जब पलता है ना तो बहुत ज्यादा गलत चीज हो जाती है। आप एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, और टोनी भैया ऐसी दुनिया में पहुंच चुके हैं, उनको वहम ये है कि वो सिंगर है। यार यार किससे पूछा यार, सच में एक बार पब्लिक में आकर कोई अपने वो जो गाने हैं ना वो एक बार गाकर देख लेना, पब्लिक जो तुम पर प्यार बरसाएगी ना कसम से पता चल जाएगा कितने बड़े सिंगर हो। खैर बस आज के लिए इतना ही करता हूं यार, क्योंकि अगर मैंने कुछ और ज्यादा बोलना स्टार्ट किया ना तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो यही वीडियो को रोकते हैं। तो अब मैं क्या कहूँ, वीडियो अच्छी लगी या बुरी लगी जो भी तुम्हें लगी तो बता देना, बस आज के लिए इतना ही बहुत था यार।